तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है कि मेड ऑफ डिजिट्स, अंक, अंक से जो सिस्टम होता है अंकों का, नंबर्स का, उसी को नंबर सिस्टम होते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम में है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन इन्फिनाइट तक जित भी नंबर होंगे नेचुरल नंबर होंगे, उसी में जीरो ऐड कर दिया होल नंबर हो जाएगा। ठीक, सब आप पहले पढ़ लीजिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं कि प्लस माइनस ऑफ होल नंबर, होल नंबर जीरो होल नंबर और प्लस माइनस ऑफ नेचुरल नंबर, जो ये दिया हुआ है जेड 0, ±1, ±2, ±3 अप टू सो ऑन, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहां पर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और पी क्यू दोनों जो है वो जेड से बिलोंग करेंगे, जेड रिप्रेजेंटेड बाई इंटीजर्स। तो पी और क्यू जो दोनों होंगे पी बाई क्यू में, वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक, क्यू इज इक्वल्स टू, क्यू से डिनोट किया जाता है रेशनल नंबर को, क्यू इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, पी क्यू बिलोंग्स टू जेड। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है और पी क्यू जहाँ पर इंटीजर ही हैं। ऐसे इरेशनल नंबर वो होंगे जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। इसका एग्जांपल हो गया अंडर रूट टू, इसका एग्जांपल हो गया अंडर रूट टू या नॉन, अभी ये बताऊंगा आगे बताऊंगा। रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को, जब दोनों नंबर एक साथ हो, मतलब दोनों नंबर को जब ऐड कर दिया जाए, दोनों नंबर जहाँ पर प्रेजेंट हो, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन क्या है कि कोई रेशनल नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग होगा, कोई भी डेसिमल होगा अगर वो टर्मिनेटिंग है, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है तो क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल देखिए, से 0.31, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और जैसे 0.312, फिर 312, फिर 312, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है। तो इन दोनों को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है, इसलिए क्या है, ये रेशनल नंबर है। और इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, जिसमें न टर्मिनेट हो रहा हो नॉन रीअकर हो रहा हो बार बार, जैसे कोई नंबर ले लिया 0.12345168712, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है और ना रीअकर कर रहा कोई नंबर बार बार, तो ये क्या है, ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। ये नंबर जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग हो गया, तो ये दोनों पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। लेकिन ये नंबर जो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग जो हो गया वो क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर है, ये नहीं लिखा जा सकता, तो इसमें यही बताया था। अब आपको हम बताते हैं कि किसी भी नंबर को डेसिमल से पी वाई क्यू के फॉर्म में या पी बाई क्यू के फॉर्म से डेसिमल में कैसे लिखा जाता है। तो जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है, लेट एनी नंबर भी x ले लिया हमने किसी नंबर को, और वो है 0.5 बार है। बार तब लगता है जब इसी को कह दिया जाए 0. जब वो नंबर रिपीट होने लगे बार बार, इन्फिनाइट तक रिपीट हो, तो उसे बार कह देते हैं। ठीक, इसको अगर हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड p
पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड, मतलब पी और क्यू क्या है, इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्स इज इक्वल्स टू 0.5555 अप टू सो ऑन उसी तरह लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसको जो है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें हर हर एक बार वाले में याद रखना कि जिस पे बार लगा है, जिस टेंथ पे बार लगा है, अगर टेंथ प्लेस पे बार लगा है तो उसको 10 से इंटू करेंगे। ठीक, ये फर्स्ट प्लेस पे बार लगा है तो इसको 10 से इंटू करेंगे, यहाँ 10x कर देंगे। अगर यही दूसरे वाले पे लगा होता 100x कर देते, तीसरे पे लगा होता 1000x कर देते, तो यहाँ 100x कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.5555 अप टू सो ऑन। देन अब देखो 10x से माइनस एक्स कर देंगे, तो 10x से जब इसको एक्स को माइनस करो, देखो कितना आएगा, तो इससे इसको माइनस करो तो ये आएगा 5.00, इससे इसको माइनस कर दो तो 5 आएगा, और ये आएगा 9x इज इक्वल्स टू 5। एक्स की वैल्यू आ गई 5/9। एक्स को हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या किया, लिख दिया। एक्स को हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल इसका देखो कि 0.47 बार जैसे दिया है। अब बार इस पे ना लग के दूसरे वाले नंबर पे लगाए, तो इसका मतलब है 0.47777 अप टू सो ऑन, तक 77 जाता रहेगा, तो इसका मतलब ये है। अब इसको कैसे पी वाई के फॉर्म में, फिर वही बात कि लेट कर लो कि ये एक्स है 0.47777 बार अप टू सो ऑन। मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट 100 से करेंगे, तो सबसे पहले इसको 10x से कर लो, तो ये हो जाएगा 4.777 बार अप टू 100x से करोगे तो ये बार 100x माइनस 10x, तो ये 100x का है, ये 10x का है, तो इससे माइनस कर दो तो 47.7777 अप टू 4 हो जाएगा, और इससे माइनस कितना करना 4.7777 अप टू 4, तो इससे इसको माइनस करो तो यहाँ बचेगा 43.00 बचेगा, 43 बचेगा ना, 43 बचेगा, और ये बचेगा आपका 90x विच इज इक्वल्स टू दिस, एंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी 43/90। तो इसकी जो वैल्यू आ गई, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि ये क्या है, ये कौन सा डेसिमल है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है पहले ये बताइए, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक, अब देखो एक और एग्जांपल, हर प्रकार का एग्जांपल आपको यहाँ मिल जाएगा, जैसे हमने ले लिया कि x 0.27 बार इसको रिप्रेजेंट करना, देखो 0. हर अलग अलग एग्जांपल, वो दूसरे का एग्जांपल था 0.47, पहला वाला दूसरे तरीके का एग्जांपल था, ये दूसरी तरीके का एग्जांपल, तो इसमें भी आपके, इसमें मैंने क्या बताया कि 100x से डायरेक्ट इंटू करो, तो ये जाएगा 27.27 अप टू सो ऑन होता जाएगा, क्योंकि बार इस पर दो पे लगा, तो 27 रिपीट कर रहा होगा, और दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू 0.2727 अप टू सो ऑन तक है, तो इससे इसको माइनस कर दिया हमने दोनों तरफ, तो दिस इज इक्वल्स टू 99x, और ये क्या आ गया 27, x की वैल्यू क्या आ गई 27/99, तो इसको काट दो तो 9 3 जा और 9 11 जा, एक्स की वैल्यू आ गई 3/11, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3/11 आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 3/11। तीनों एग्जांपल पे आप ध्यान दीजिए उनका कैसे किया है मैंने, ठीक, तो क्यों किया है, पहला एग्जांपल क्या है कि 0.5 इस तरीके से था, तो मैंने क्या किया, इस तरीके से किया। ठीक, उसके बाद 0.47 दूसरे पे अगर बार लगाए, दूसरे नंबर डिजिट बार लगाए, तो क्या करेंगे, इसी तरह दूसरा तीसरा चेंज होता चला जाएगा, कि दूसरे पे बार लगाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 10x से इंटू करेंगे, 10x से करेंगे, फिर उसके बाद 100x पे आएंगे, फिर 100x माइनस 10x करेंगे, तो ये आपका इस तरीके से हो जाए। अगर दूसरे नंबर पे बार लगा, एक नंबर और पहले दिया हुआ है, तो अगर दोनों पे बार लगा हुआ है तो डायरेक्ट 100x से करेंगे, और x तब रहेगा जब कोई नंबर ना हो, कोई नंबर छूटा ना हो, कोई नंबर नहीं छूटा तो x माइनस कर दो। ठीक, अब ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमको फाइंड करना है रेशनल या इरेशनल नंबर,
फाइंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं बिटवीन जो उसमें दिया हुआ है बुक में, जैसे दिया हुआ है 1/4 से 3/5, 1/4 से 3/5 के बीच में कोई सा भी इनको आप रेशनल और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर निकालने का पहले तरीका बताते हैं। पहला, रेशनल नंबर कैसे आप निकालोगे, रेशनल नंबर कैसे निकालोगे। जैसे मान लेते हैं कि 5 रेशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों नंबर के बीच। तो पहले नंबर को ए ले लो 1/4 और बी इज इक्वल्स टू 3/5। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है कि 5 रेशनल नंबर निकालना है। 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि सबसे पहले ए प्लस बी बाई टू करोगे तो इसके बीच का नंबर निकल आएगा, बीचों बीच का। तो सबसे पहले क्या किया, 1/4 प्लस 3/5 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 5 4 20 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 5 20 5 प्लस 5 4 20 4 3 12 और ये हो गया 12 5 17 by 40। ये क्या आ गया आपका 17 by 40 आ गया, हमारा क्या आ गया 17 by 40 आ गया। अब देखो जब 17 by 40 आ गया, 17 by 40 किसके बीच का नंबर, 1/4 सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर 17 by 40 पहला नंबर हमको मिल गया है, फिर उसके बाद 3 by 5। अब इसी तरह से फिर से क्या करो कि ए बी इसको मान लो, ए इसको मान लो और बी इसको मान लो, ए और बी इसको मान लो, ए बी इसको मान लो, फिर इन दोनों के बीच का नंबर निकाल लो, ठीक। और दूसरे में फिर ए बी इनको मान लो, इन दोनों के बीच का नंबर निकाल लो। तो इस तरह के 3 नंबर हो गए, फिर उनके बीच का नंबर निकाल लेने, जैसे 1/4 प्लस 17/40 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू दिस, ये आ जाएगा 40, 4 10 जा प्लस 17 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 27/80 27/80 आ गया। तो इन दोनों के बीच का नंबर हो गया। तो अब हमारे पास नंबर क्या हो गया, 1/4 इन दोनों के बीच में 27/80, फिर उसके बाद 17/40, फिर 3/5। इस तरीके से इन दोनों के बीच के हमको दो नंबर मिल गए, ठीक। इन दोनों के बीच में के हमको रेशनल नंबर कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। फिर इन दोनों के बीच में ले लो, फिर इन दोनों के बीच का नंबर इसी तरह निकाल लो ए प्लस बी बाई टू करके। तो इस तरीके से 5 नंबर निकल जाएंगे, ठीक। एक ये तरीका है, ठीक, एक ये तरीका है। अब इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, और एक तरीका आपको बता देते हैं रेशनल नंबर निकालने का। जैसे 1/4 या 3/5 के बीच का रेशनल नंबर हमको निकालना है, ठीक। तो आप सबसे पहले क्या करो कि डिनोमिनेटर को क्या करो, डिनोमिनेटर को सेम करो। जैसे अब इसमें क्या, कैसे सेम होगा, इसमें 5 से इंटू कर दो और इसमें भी 3/5 से इसमें 4 से इंटू कर दो, ठीक। इसमें 5 से इंटू कर दो ऊपर नीचे और इसमें ऊपर नीचे 4 से इंटू कर दो, बात तो बराबर रहेगी ना। तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, इम्प्लाइज ये क्या हो गया 5/20 एंड ये क्या हो जाएगा 12/20, ठीक। 5/20 और 12/20 हो गया। अब देखो इनके बीच का नंबर आराम से निकल जाएगा। नाउ बढ़ाते जाओ, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20 और 12/20। 1 2 3 4 5 पांच नंबर हमने इनके बीच के आराम से निकाल लिए। तो ये एक तरीका है, वो भी उनके बीच के नंबर निकालने का तरीका है, भी इनके बीच। अब हम बात करते हैं कि इरेशनल नंबर कैसे निकालें। तो इरेशनल नंबर निकालने का तरीका है, जैसे मान लीजिए कि 1/7 और 3/7 के बीच का इरेशनल नंबर निकालना है, 1/7 और 3/7 के बीच का इरेशनल नंबर। तो इसमें पहला तरीका जो हम बताएंगे, दो तरीके आपको इसमें बताएंगे। पहला तरीका जो बताएंगे उसमें 7 को डिवाइड कर दो
वन को पहले तो डिवाइड कर दो सेवन से, पॉइंट लगा जीरो बढ़ा, सेवन वन जा सेवन आ गया, फिर थ्री पॉइंट लगा जीरो बढ़ जाएगा, सेवन सेवन थ्री 20, सेवन फोर जा 28 28, फिर टू आ गया, फिर पॉइंट लगा जीरो बढ़ जाएगा, सेवन सेवन टू जा 14 14 आ गया, फिर सेवन आ गया, देखो सेवन फिर आ गया, सेवन फिर आ गया, अरे सिक्स आ गया ना, सिक्स आ गया, पॉइंट लगा जीरो, सेवन 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 सिक्स जा 42, सेवन सेवन जा 49, सेवन एट जा 56, एट जा जाएगा 56 आएगा, फिर फोर आ गया, फिर फोर आ गया, पॉइंट लगा जीरो बढ़ा गया, सेवन तब तक ले जाएंगे जब तक वो जाए ना, तो सेवन 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 14, सेवन थ्री जा 75 जा 35, सेवन फाइव जा 35, फिर फाइव आ गया, फाइव आ गया, फिर जीरो बढ़ा फाइव, सेवन सेवन जा 47 जा 49, अब ये क्या आ गया, वन आ गया, फिर से वन आ गया, फिर से वन आ गया, मतलब इसके बाद फिर ये रिपीट होगा, 1 4 2 8 5 7, फिर ये रिपीट होता जाएगा, तो ये क्या है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, इसलिए रेशनल नंबर में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए रेशनल नंबर में कन्वर्ट हुआ है, तो ये एक हो गया, तो हमने डिवाइड कर दिया, जीरो वन मतलब कि 1/7 जो है वो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 0.142857, फिर 1 4 2 8 5 7 अप टू सो ऑन, इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह 3/7 को क्या लिख सकते हैं, ये देख लो, यहाँ से देख लो, यहीं देख लो कि 7 को डिवाइड कर दो 3 से, तो आपका ये हो जाएगा, तो पॉइंट लगेगा जीरो बढ़ेगा, 7 4 जा 28, टू पॉइंट लगा जीरो जाएगा, 7 2 जा 14, फिर सिक्स आ जाएगा, फिर सेवन 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 एट जा 56, सेवन एट जा 56, फिर फोर आ गया, फोर आ गया, फिर उसके बाद आप देख लो, फोर सेवन फाइव जा 35, फाइव बचेगा, फिर जीरो लगेगा, सेवन सेवन जा 49, फिर वन आ गया, वन आ गया, फिर इसमें ले जाओ, सेवन वन जा सेवन, फिर थ्री आ गया, अब फिर से थ्री आ गया, फिर से थ्री आ गया, फिर से थ्री आ गया, फिर से ये रिपीट होगा, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.42857, 0.42857 1, फिर उसके बाद 4 2 8 5 7 1 अप टू सो ऑन, इसी तरह जाता जाएगा। अब इसके बीच का इरेशनल, इसके बीच का इरेशनल नंबर देखना है, तो इरेशनल नंबर मतलब कि जो नॉन रिपीटिंग हो, हमने पहले बताया नॉन रिपीटिंग नॉन रिअकरिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन रिअकरिंग, तो इसके बीच का देखना है, तो देखो फर्स्ट नंबर, पहला नंबर कोई भी लिखो, इसके बीच का जो हो मतलब कि 142 से बड़ा होगा, तो हम इधर कर देते हैं 150, ठीक, 123 187 000 5, इसी तरह बढ़ाते जाते हैं, ठीक, ये पहला नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर इरेशनल नंबर। इसी तरह सेकेंड कर लो, जो इससे छोटा हो 42 लेकिन इससे बड़ा हो, और नॉन रिपीटिंग नॉन रिअकरिंग हो, मतलब कि बार बार रिपीट ना हो रहा हो और टर्मिनेट भी ना हो रहा हो, ठीक। जैसे दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 0.300 00 123 11 00 33 अप टू सो ऑन, इसी तरह डिवाइड होता जा रहा, ठीक। इसी तरह सेकेंड नंबर, इसी तरह पांच नंबर इनके बीच के लिखना है, इनके दोनों के बीच के पांच नंबर लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिअकरिंग, या कह सकते हो नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर को लिखने हैं। ये पहला तरीका हो गया इरेशनल नंबर निकालने का। अब इसके अलावा भी दूसरा तरीका है हमारे पास, जैसे 1/7 था और 3/7 था, देखिए 1/7 था 3/7 था, जिसके बीच का हमको इरेशनल नंबर निकालना था, मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग।
तो इन दोनों के बीच का निकालना है। तो इसका एक और तरीका है कि आप इन दोनों नंबर में का अंडर रूट कर लीजिए, अंडर रूट कर लीजिए इन दोनों नंबर का, और उन दोनों नंबर्स को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, उन दोनों नंबर्स को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3/7, अंडर रूट 3/7। तो ये जो नंबर यहाँ निकलेगा इन दोनों के अंडर रूट से मल्टीप्लाई से, जो नंबर यहाँ से निकलेगा, जो नंबर यहाँ से निकलेगा वो क्या होगा, एक प्रकार का इरेशनल नंबर होगा। एक प्रकार का ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट इरेशनल नंबर जो हो जाएगा, इरेशनल नंबर जो हो जाएगा अंडर रूट 3/7। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/7। इसी तरह 1/7 से लेकर 3/7 के बीच में जो ऐसे ही रेशनल नंबर मिल रहे हैं, उनका इसी तरीके कर लो। जैसे इसमें जो है रेशनल नंबर जो मिल रहे हैं 1/7, 2/7 और 3/7 मिल रहा है। अब इन दोनों का इंटू कर लो, अंडर रूट में। तो 1/7 इंटू 2/7 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2/7 आ गया। तो ये क्या है, ये सेकेंड इरेशनल नंबर हो गया, सेकेंड इरेशनल नंबर।